દ્રશ્યો જે આપે જોયા અત્યારે એ છે રાજસ્થાનના જેસલમેરના. પાકિસ્તાનથી આવેલા હિન્દુઓએ અચાનકથી આઈએસ ટીના ધાબીને ઘેરી લીધી. ચર્ચા એવી છે કે ટીના ધાબીના આદેશથી જ આ અમના મકાન પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું, જેને લઈને અત્યારે રાજનીતિમાં પણ ગરમાવો આવી રહ્યો છે. પરંતુ શા માટે આઈએએસે આવા આદેશ આપ્યા બુલડોઝર ફેરવવાના, જાણીશું આ રિપોર્ટમાં. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક અને આપની સાથે હું છું સૌમ્યા. રાજસ્થાનના જેસલમેરમાં પાકિસ્તાનથી આવેલા હિન્દુ શરણાર્થીઓના ગેરકાયદેસર મકાનો તોડી પાડવા મામલે ચર્ચામાં આવેલા જેસલમેર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ આઈએએસ ટીના ઢાબીએ બુધવારે શરણાર્થીઓ માટે ખાવા પીવાની તેમજ રહેવાની વ્યવસ્થા કરાઈ. ઓછામાં ઓછા 50 પરિવારો માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. એકાએક આઈએએસ ટીના ઢાબીના આદેશ બાદ વિસ્થાપિત હિન્દુઓના ઘર પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું. ગરમીમાં શેકાવા આ લોકો મજબૂર થઈ ગયા અને મહિલાઓની રોકકળ શરૂ થઈ ગઈ. ત્યારે આ લોકો માટે ખાવા પીવાની તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી અંગે એમ પણ કહ્યું હતું કે અમરસાગર તળાવ વિસ્તારના કેચમેન્ટ એરિયામાં અતિક્રમણની મંજૂરી આપી શકાય નહીં. આઈએએસ ડાબીએ આ બાબતે જણાવ્યું હતું કે મોટી સંખ્યામાં પાકિસ્તાની હિન્દુ વિસ્થાપિતોએ પ્રાઇમ લેન્ડ અને કેચમેન્ટ એરિયા તેમજ પાણવણીની જમીન પર કબજો જમાવ્યો હતો. अप्रैल से ही जो UIT की कुछ प्राइम लैंड्स हैं जिसपे काफ़ी इंक्रोचमेंट हो रहे थे, उस पर इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रही थी. हमने अप्रैल 5 को भी लोक सूचना जारी करी थी. काफ़ी लोगों से समझाइश भी करी, पिछले हफ्ते से भी समझाइश चल रही थी, पर काफ़ी लोग नहीं माने. और जो कल अतिक्रमण हटाए गए थे वो ऐसे खसरों पे थे जो कि ऑलरेडी UIT ने किसी को या तो अलॉट करी थी या वहाँ पे कोई पानी का कैचमेंट एरिया था. तो वो इस प्रकार के लैंड्स थे कि हमने लोगों से भी समझाइश करी कि आप अगर यहाँ बैठेंगे भी तो कल को आपको ये लैंड अलॉट करने पे भी UIT को बहुत दिक्कत आएगी. तो उनसे समझाइश करने के प्रयास किए थे पर वो सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए कल इंक्रोचमेंट हटाए गए. और वो इंक्रोचमेंट्स ऐसे थे जो पिछले 10 दिनों में ही किए गए थे, तो वो काफ़ी कच्चे प्रकार के थे, टिन शेड वगैरह प्रकार के थे. तो उनको हटाया. वहाँ पे फिर जो पाक विस्थापित समाज था जो वहाँ बैठा था उनका काफ़ी विरोध भी हुआ. और आज हमने बहुत अच्छी उनसे सक्सेसफुल और पॉजिटिव वार्ता करी, उनकी डिमांड्स भी सुनी. उनकी मुख्य डिमांड यही थी कि उनको बैठने की कोई जगह दी जाए. तो उसके लिए UIT जैसलमेर द्वारा अगले एक हफ्ते में ही सूटेबल लैंड चिन्हित करी जाएगी, जो जितने भी परिवार हैं उनके लिए लैंड सफिशिएंट भी हो और वो कोई लैंड ऐसा भी ना हो कि उसमें कोई वाटर कैचमेंट एरिया आ रहा हो या कोई अन्य अलॉटमेंट पहले ही किया जा चुका हो, जिसमें जो यहाँ के लोकल्स हैं अमर सागर के उनको भी आपत्ति नहीं हो. क्योंकि ये जो पूरी UIT कार्रवाई कर रही थी, जो लोकल्स थे अमर सागर के उनकी रोज कंप्लेंट्स आ रही थी. तो एक रूटीन जो इंक्रोचमेंट रिमूवल था वो तो हमारा लगभग पूरा हो गया है. और क्योंकि आज बहुत अच्छी हमारी वार्ता भी हो गई, जितने भी पाक विस्थापित हमारे यहाँ रिफ्यूजीज हैं उनसे, और वो मान भी गए क्योंकि उनकी प्रमुख बात यही थी कि उन्हें बैठने के लिए अब एक ज़मीन चाहिए. तो अब हम एक टीम बनाएंगे, सर्वे करेंगे प्रॉपर लैंड सफिशिएंट स्पेस के जो उन परिवारों के लिए सफिशिएंट हो, और उन परिवारों के रिप्रेजेंटेटिव भी रखेंगे कि वो भी सेटिस्फाइड रहे कि जो लैंड अब हम उन्हें जहाँ पे हम उन्हें बिठाना चाहेंगे. और बाकी जो लोग अभी कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने ये अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनके पास अभी कहीं पर भी रहने की जगह नहीं है, तो जिला प्रशासन द्वारा जो हमारे गवर्नमेंट शेल्टर होम है, रैन बसेरा है, वहाँ पे रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है. उनको कोई खर्चा बियर नहीं करना पड़ेगा. और जैसे ही हम एक हफ्ता 10 दिन में एक प्रॉपर लैंड चिन्हित कर दी, इनको वहाँ पे जो जिनको नागरिकता मिल चुकी है उनको लैंड अलॉट भी कर दिया जाएगा. और बाकी जिनको नागरिकता भी नहीं मिली उनके लिए लैंड चिन्हीकरण करके उन्हें वहाँ पे बिठा दिया जाएगा. और जैसे उन्हें नागरिकता मिल जाएगी उनको भी वहाँ पे अलॉटमेंट किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार एक पीड़ित कुर्बान राम ने મીડિયા ને જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનના સખાર જિલ્લામાં તેઓ રહેતો હતો. ત્યાં તેને અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. ત્યાંની સ્થિતિ ઘણી ખરાબ છે. હિન્દુઓને બળજબરીથી મુસ્લિમ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. જિલ્લા કલેક્ટર ટીના ડાબીએ અમારા ભીલ સમાજ પ્રત્યે દયા બતાવીને માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આથી જિલ્લા કલેક્ટરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત. તો આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ. ગુજરાતના તમામ મહત્વના સમાચાર જોવા માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત તક. આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા. આપ આપના અભિપ્રાયો પણ અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જાણ કરી શકો છો. નમસ્કાર.